हम लोग रेडी हो गए हैं नहा धोवा के, पूजा करके। ये और नाश्ता है आज का, तो यहाँ पे अब हम लोग का लंच तैयार है। तो अब हम लोग लंच करने वाले हैं, और लंच में क्या है तो यहाँ पे अब डिनर तैयार है, जो कि है गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। तो आज अभी हम ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको आगे पता चलेगा कि क्या बनाने जा रहे हैं, और बहुत सिंपल सा रखेंगे क्योंकि फिर रात में फिर बहुत सारा कुछ बनाना होता है। तो अभी ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या बनाएंगे अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि यहाँ पे कटा हुआ है बैंगन, आलू गोभी और यहाँ बंधा गोभी, ये सब मिक्स करके अभी हम मिक्स वेज बनाने वाले हैं, सिंपल सा और पराठा। तो ब्रेकफास्ट में मेरा यही रहेगा, मिक्स वेज और पराठा। और अभी क्यारा सो रही है, तो अभी जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और ये बाजार मार्केट करने गए हैं कुछ कुछ फूल ये सब लाने, पूजा का सामान। तो अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं खाना। तो जल्दी जल्दी सब्जी धो लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं बनाना सब्जी। एक बार तो धोया हुआ था और दोबारा धो रहे हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया, अब इसमें हम पचफोरन डाल रहे हैं, तेज पत्ता। तो अभी सब्जी चढ़ा दिए हैं, चढ़ा हुआ है सीज रहा है, और यहाँ पे क्या रखा, ओट्स भी चढ़ा हुआ है क्योंकि अभी उठेगी तो पहले सेब खाएगी, एप्पल खाती है सुबह सुबह, उसके बाद ओट्स खाएगी 10-11 बजे, और फिर अब हम चले पराठा का तैयारी करने के लिए। पराठा के लिए हम यहाँ पे आटा सान के रखे हैं, आंटी आटा सान देती है वैसे तो। और अब बनाएंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे पराठा। तो आज हम लोग का ब्रेकफास्ट में सोचे तो कुछ और थे लेकिन नहीं मिला, तो अभी हम लोग पराठा सब्जी ही खाएंगे। और देखते, मतलब सोचे तो थे पाव भाजी लेकिन पाव नहीं मिला सुबह सुबह, रात में ही लेना था, कल ही लेना था लेकिन नहीं मिला। तो अब हम लोग पराठा सब्जी ही खाने वाले हैं नाश्ता में, और उसके बाद आपको लंच का दिखाएंगे कि लंच में क्या बनाते हैं और डिनर में क्या बनाते हैं। तो मेरे घर में क्या क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट लंच डिनर में दीपावली के दिन, तो हम आपको यही दिखा रहे हैं। सबके घर में अलग अलग तरीका से बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। अभी क्यारा उठ गई है और अभी इसका सुबह हुआ है, और हमको पराठा बनाने भी नहीं दी और इसके पापा भी नहीं आए अभी तक, तो अब इसको लेके हमको बैठना होगा ना बेटा, है ना। उम्मा दे दो तो वहाँ 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 सबको दे दो, फ्लाइंग किस दे दो, आइए। अभी पैंट पहनने का कोशिश कर रही है, दे चुस्सी के बिना नहीं रह सकते। तो नया पराठा अभी बना रही है नाश्ता का, नाश्ता कंप्लीट ही हो गया। आज दिवाली के दिन का आपको टोटल दिखाएंगे, नाश्ता खाना और डिनर रात का। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर वीडियो, और आगे दिखाएंगे खाना कैसा बनाएंगे, क्या नेहा है ना, कैसा बना है अब आप बताइएगा खा के कैसा बनाए। ठीक है, तो अभी मेरा नाश्ता का तैयारी हो गया, मतलब बन गया, और पराठा और मिक्स वेज। और अभी हम खाना का तैयारी करके ही नहाने जाएंगे, जैसे कि खाना में आपको दिखाते हैं हम क्या बनाएंगे।
आगे। तो खाना हम का तैयारी करने वाले हैं, तो उसमें बना रहे हैं पनीर, मसाला पनीर और मिक्स पुलाव, वेज पुलाव। तो पनीर को अब तेल में फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करके और अभी यहाँ पे टमाटर प्याज और टमाटर दोनों को पीसना है। तो अभी हम लोग पीसेंगे, ये फ्राई हो रहा है जब तक तब तक टमाटर पीस लेते हैं। के लिए थोड़ा सा दाल भी चढ़ाना पड़ा क्योंकि हम लोग तो वेज पुलाव और पनीर खा लेंगे, लेकिन क्यारा को तो पुलाव के साथ दाल चाहिए ही चाहिए। हम पानी दे चुके हैं मसाले में और अब इसमें पनीर डालेंगे सारा, एक हाथ से हो भी नहीं पा रहा है। और इसको 5 मिनट के लिए खौलाएंगे पानी को, मतलब मसाला को, और उसके बाद बंद कर देंगे। फिर हम पुलाव का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे चावल धोने के लिए अरुआ चावल रखा हुआ है। पुलाव अब हम बनाने जा रहे हैं जो कि तैयारी करके रखा हुआ है, और हम बस बनाएंगे और इसमें घी डालेंगे और इसमें तेज पत्ता, लाल मिर्च डालेंगे, इसमें काजू, गरम मसाला, ये सब डाल देना है। इसमें गरम मसाला के बाद प्याज डालेंगे। अब इसमें सारा सब्जी जो आपको वेज पुलाव में डालना है अपना मनपसंद वो डाल सकते हैं। इसको बस थोड़ा भूजना है रेड करके, क्योंकि पुलाव में तो जब कुकर में डालेंगे पुलाव तब तो ये सीज ही जाएगा पूरा। वो भी नमक हल्दी भी डाल देंगे इसमें। अब इसमें चावल देके थोड़ा भून लेना है चावल को, और उसके बाद कुकर में डाल देना है। और एक सीटी लगने के बाद 2 मिनट कम करके छोड़ देना है कुकर में, और फिर बंद कर देना है गैस। अब हम लोग रेडी हो गए हैं नहा धोवा के, पूजा करके। ये नाश्ता है आज का, आज है पराठा और मिक्स वेज और अचार, अचार भी है और क्यारा का ओट्स भी है यहाँ। ओट्स है और बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। हम तो डेली खा सकते हैं पराठा और मिक्स वेज डेली खा सकते हैं। तो ये था हमारे दिवाली के दिन का आज का नाश्ता, ब्रेकफास्ट। और आज हम लोग पूरा आपको दिखाने वाले हैं कि दिवाली के दिन हम लोग आज क्या खा रहे हैं। तो ये ब्रेकफास्ट हो गया और हम लोग लंच करेंगे जब लंच का दिखाएंगे, और जब हम लोग डिनर करेंगे तो डिनर का दिखाएंगे। क्यारा ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे, तो अब हम लोग, आपको पता है जैसे कि पनीर बन चुका है, पुलाव बन चुका है, और खाना का टाइम आएगा तो हम लोग खाना का दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग का लंच तैयार है, तो अब हम लोग लंच करने वाले हैं। और लंच में क्या है, पुलाव, वेज पुलाव, पनीर और सलाद बस, क्योंकि रात में भी खाना है। और सिर्फ आप लोग को लग रहा होगा हमको सिर्फ खाना 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 है, नहीं, उसके अलावा भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ खाना का है। और एक और वीडियो बन रहा है जो कि सजावट का है, उसमें दिखाएंगे। आ जाइए खाने। तो आज हम लोग अब दिन का लंच कर रहे हैं दिवाली के दिन का, और बना है वेज पुलाव
और पनीर का सब्जी, खा के देखते हैं कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है सब खाना, पनीर भी बहुत टेस्टी है, बूंदी भी बनाने वाले। हाँ लेकिन नहीं मिला बूंदी और दही मिला, बूंदी नहीं मिला, पाव भी नहीं मिला था सुबह। मेरा सब प्लान चौपट हो गया। हाँ तो क्या हो गया, सादा खाना खा रहे हो वीडियो में। अभी हम रात का तैयारी करने जा रहे हैं क्योंकि सारा काम जल्दी जल्दी करना है, रंगोली भी बनाना है, इसलिए हमको सारा काम ख़त्म करके उसके बाद रंगोली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी क्यारा सो रही है, इसलिए हमको जल्दी जल्दी बनाना होगा सारा खाना। जल्दी जल्दी बनाओ ताकि हम खाएं जल्दी जल्दी, है ना? टेस्टी लगे। अच्छा से बनाना। नहीं नहीं अच्छा से नहीं बना, लेकिन आपके पीछे से लाइट आया था वही देख रहे थे, मेरा आँख लाइट ऐसे भी कम आ रहा है आपके फेस पे। तो अभी हम यहाँ रात के डिनर में पहले अभी हम बनाने हैं गोभी आलू का सब्जी। कांच के लिए तेल, जीरा मिर्ची, तेज पत्ता, उसके बाद प्याज डालेंगे, और प्याज डालने के बाद इसके बाद गोभी आलू इसमें डाल ही देंगे ताकि साथ में फ्राई होते रहे दोनों। फिर इसमें नमक, हल्दी डाल चुके हैं और टमाटर भी डाल दिए हैं, ये अपना भुजाते रहेगा। उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। इधर दूध चढ़ा दिए हैं खीर के लिए, और यहाँ पे चावल धोने के लिए रखा हुआ है, अब हम चावल धोएंगे। अब आलू को भी थोड़ा भुजा गया है, अब इसमें मसाला डालेंगे, लहसुन मिर्ची, जीरा मरीच, मसाला कम ही खाते हैं तो, और इसको मसाला देके थोड़ा भूजेंगे, उसके बाद पानी देंगे। दूध खोल चुका, अब इसमें चावल गिराएंगे। अब चावल थोड़ा सीझेगा तब इसमें इलायची कूटा हुआ डालेंगे। तो अब ये सब्जी बन के तैयार है, इसको ढक देते हैं। अभी खीर बन रहा है, एक सब्जी मेरा बन चुका है आलू गोभी, और अब हम छोला बनाने का तैयारी कर रहे हैं। तो इसको पानी में भिगो के धो के डाल, इसमें गरम मसाला डाल दिए हैं, और अब इसको भूज के कुकर में डालेंगे। यहाँ मेरा खीर बन के रेडी है। डिनर तैयार है, जो कि है पूरी और दाल भर के पूरी, आलू गोभी, खीर, और ये है छोला पनीर। तो ये हम लोग डिनर खा के बताते हैं कैसा बना है। अब आप खा के बताइए जल्दी से। और क्या ना, मेरा मुंह देख रही है। गोभी आलू तो बहुत अच्छा बना, और ये दाल पूरी। दाल पूरी 11 को ठो दे दे बाबू है मेरी। तो मेरा तो ये खाना का, दिवाली का खाना का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी। बिल्कुल सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और हैप्पी दिवाली आप लोग को, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह हम लोग के वीडियो को देखते रहिएगा, और हमें प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।